हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जो हम बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस, मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो आज जो है हमारी ब्लॉगिंग के नेक्स्ट एक और वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि ब्लॉग को सेटअप कैसे करना होता है। तो बेसिकली आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ब्लॉग सेटअप के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी होती है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आपको मैं दोनों ही कंडीशंस में बताने वाला हूं। फ्री के अंदर अगर आप ब्लॉग सेटअप करना चाहते हैं तो वो भी आपको बताऊंगा, पूरा थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल धीरे धीरे हम पूरा बढ़ेंगे। और पेड के अंदर जाना चाहते हैं तो पेड के अंदर भी प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल जो है वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। तो आज मैं जो है सबसे पहले आपको बताऊंगा डोमेन नेम। तो कभी भी किसी भी ब्लॉग को सेटअप करने के लिए हमें एक डोमेन नेम की जरूरत होती है। डोमेन नेम है क्या? डोमेन नेम बेसिकली बोला जाता है हमारा जो यूआरएल है, जैसे कि google.com हो गया, nirankariinfotech.com हो गया, yahoo.com हो गया, राइट? तो ये सारे क्या हैं? ये डोमेन नेम कहलाते हैं। तो अगर आप भी अपना कोई यूनिक डोमेन नेम लेना चाहते हो जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए यूनिक हो पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो आपको ये डोमेन नेम जो है वो बाय करने पड़ते हैं, आपको रजिस्टर करना पड़ता है इसको। आपके बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं, जैसे कि GoDaddy हो गया और कई सारी और वेबसाइट्स वगैरह हैं। आप कहीं से भी जो है इसको डोमेन को रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन इसको रजिस्टर करने के लिए कैसे आपको करना है वो आने वाले वीडियो के अंदर मैं डेफिनेटली बताऊंगा। अगर आपको डोमेन नेम अभी बाय नहीं करना है और फ्री के अंदर इस्तेमाल करके देखना चाहते हो और फिर एक्सपीरियंस के अंदर आपको लगता है कि नहीं अब चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो आप जो है उसके बाद बढ़ना चाहते हो पेड की तरफ, तब जो है आप कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आप लोगों को यहां पर जो है डोमेन विदाउट रजिस्ट्रेशन जो है किस तरह से आप ब्लॉग के एक यूनिक डोमेन जो है क्रिएट कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। बेसिकली हम जो है गूगल का एक प्रोडक्ट है blogspot.com, तो उसके साथ जो है हम यहां पर अपना एक यूनिक डोमेन नेम क्रिएट करके जो है अपने पूरे डोमेन ब्लॉग को जो है हाईलाइट कर सकते हैं, पब्लिक कर सकते हैं। बाद में अगर हमें लगेगा कि नहीं अब हमें जो है पेड पे जाना चाहिए, हमारा खुद का डोमेन नेम होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। जो आपने मेहनत करी होगी वो बिल्कुल एज इट इज रहेगी, उसी मेहनत के ऊपर, उसी जो आपका जो पहले ब्लॉग स्पॉट के ऊपर फ्री का डोमेन है उसको हम लिंक कर देंगे पेड डोमेन के साथ में, ताकि जो है आपका वही कॉन्टेंट जो है आपके ओरिजिनल डोमेन के ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाए। दूसरी चीज यहां पे रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड होस्टिंग। होस्टिंग में भी जो है आपके पास पेड एंड फ्री दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। पेड की अगर बात करें तो पेड जो है आपको तब जरूरत है जब आपको परफेक्ट एसईओ वगैरह करना है, राइट? क्योंकि आपके पास खुद की थीम्स अवेलेबल हैं और आपको खुद की कई सारी चीजें करनी होती हैं। आप चाहते कि नहीं आपका कॉन्टेंट जो है वो बिल्कुल आपके पास रहे, आप ही सारी चीजें मेंटेन करें, तो ऐसे में आपको पेड होस्टिंग्स पे जाना पड़ेगा। और होस्टिंग्स में क्या क्या चीजें होती हैं आपकी वो उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आपकी शेयर होस्टिंग होती है। शेयर होस्टिंग यानी कि जब आपके बहुत सारे वेबसाइट्स जो हैं एक ही सर्वर के ऊपर होस्ट करी होती हैं उसको हम बोलते हैं शेयर होस्टिंग, राइट? जिसका प्राइस आपको कम पड़ता है। और दूसरा होता है यहाँ पे डेडिकेटेड होस्टिंग। डेडिकेटेड होस्टिंग वो कहलाती है जिसके ऊपर आप जो है खुद एक सर्वर बाय कर लेते हैं और सर्वर के ऊपर आपकी ही वेबसाइट जो है वो रहती है, किसी दूसरे की वेबसाइट जो है उसके ऊपर शेयर नहीं करती है, ना डेटा को, ना बैंडविड्थ वगैरह को। तीसरा होता है यहाँ पे वीपीएस, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर कहने का मतलब है जब जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो एक सर्वर को सेट कर देते हैं काफी हाई कॉन्फ़िगरेशन के साथ में, और आपको से फॉर एग्जांपल 1 GB रैम के साथ में जो है 100 जो है जीबी आपको स्पेस के साथ में अनलिमिटेड बैंडविड्थ के साथ में आपको एक सर्वर दे दिया गया। अब ऐसे में अगर आपकी वेबसाइट पे 1 GB की रिक्वायरमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा 100% यूटिलाइजेशन 1 GB का मिलेगा। और अगर स्पेस जो आपने लेके रखा है 100 GB का वो भी आपको ही यूज करने मिलेगा, किसी दूसरे को यूज करने नहीं मिलेगा। लेकिन शेयर के अंदर क्या होता है कि अगर सपोज को लो किसी दूसरे क्लाइंट की वेबसाइट जो है वो ज्यादा कंज्यूम कर रही तो आपकी वेबसाइट के ऊपर भी इफेक्ट आता है। तो इसीलिए आपको जो है शेयर होस्टिंग से हम स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद हम जो है वीपीएस पे स्विच कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्री की। फ्री में भी जो है अगर आपको कोई पहले से स्टार्टिंग से ब्लॉग जो है वो नहीं स्टार्ट करना है पेड वाले पे,
एक्सपेंसेस नहीं करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे फ्री के अंदर भी गूगल का एक प्रोडक्ट वही जो कि ब्लॉग स्पॉट है, उसके अंदर हम फ्री के अंदर भी कंटेंट को होस्ट कर सकते हैं और काफी अच्छा खासा ट्रैफिक जो है ये बिल्कुल फ्री होस्टिंग के अंदर यहाँ पर अवेलेबल है। और इसमें क्योंकि ये गूगल का प्रोडक्ट है तो कोई भी चैलेंजेस हमें जो है देखने को नहीं मिलते हैं। और लेटर ऑन अगर हमें लगता है कि नहीं अब हमारे पास जो है इतना पैसा आने लग गया है कि हम जो है अपने ब्लॉग को जो है अपने डेटाबेस को गूगल के जो ब्लॉग स्पॉट है वहां से अपने पेड वाले पे स्विच कर लें, अपने डेडिकेटेड सर्वर वीपीएस सर्वर्स के ऊपर स्विच कर लें, तो इन दैट केस आप जो है बिल्कुल एज इट इज कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको जरूरी है, यानी कि दो चीजें आपको चाहिए होती हैं, एक तो आपका डोमेन नेम और दूसरा आपकी होस्टिंग। अब आप फ्री में जाना चाहते हैं या पेड में जाना चाहते हैं वो डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि मैं आपको पहले फ्री का कंप्लीट करवाऊंगा, उसके बाद जो है मैं धीरे धीरे आपको जो है पेड के ऊपर भी लेके जाऊंगा कि पेड के ऊपर सारी चीजें कैसे करनी होती हैं, कैसे ब्लॉग सेटअप करना होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ जो है क्या करना है बेल का आइकन दबाना है ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक आते रहें। अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो आने तक स्टे सेफ।